नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं एनबीटी ऑटो में। और आज मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है ये है मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कार यानी कि इनविक्टो। इसका नाम उन्होंने इनविक्टो रखा है। जो कीमत है ऑलरेडी आप सबने हमारे डिटेल्ड वॉक अराउंड में देखा था। और अब क्या करने वाले हैं, एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आपसे शेयर करने जा रहे हैं क्योंकि हम आए हैं जोधपुर और आपको बताएंगे इस इनविक्टो के बारे में और बताएंगे कि ये कितना माइलेज दे सकती है, चलाने में कैसी है, हाई क्लास से कितनी अलग है और क्या सच में ये जो लग्जरी अब मारुति ऑफर कर रही है इस कीमत पर जस्टिफाइड है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीधे आपको लेके चलते हैं एक बढ़िया सी ड्राइव पर। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। और अगर आप देखना चाहते हैं इसका डिटेल वॉक अराउंड तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है क्योंकि हाई क्रॉस और इनविक्टो के इंजन में, क्योंकि एक ही इंजन मारुति यूज़ करती है और वो है इसका हाइब्रिड सिस्टम वाला 2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है इनका। 206 Nm का टॉर्क देता है और 184 HP के आसपास का पावर आउटपुट आता है। और ये वही इंजन यूज करती है इनविक्टो में मारुति। एक इंजन छोड़ दिया है जो 174 HP का पावर आउटपुट वाला था नेचुरली एस्पिरेटेड, तो इसमें नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हाई क्रॉस वाला पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिलने वाला है और ये बहुत अच्छे से इस गाड़ी में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। जो सस्पेंशन का सेटअप है ना, इस गाड़ी को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। और जो इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है इसका के आप फैन होने वाले हैं 100%। कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है ध्यान रखिएगा, तो कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी लगेगी वो ये है कि इसका जो साउंड सिस्टम, क्योंकि इसमें JBL के नॉइस स्पीकर नहीं दिए हैं कंपनी ने, मारुति ने नहीं दिए हैं, जो आपको हाई क्रॉस में मिलते हैं ZX ऑप्शनल वाले वेरिएंट पे, तो यहाँ पर वो नहीं मिलता है। तो अल्फा प्लस में आपको नॉर्मल स्पीकर मिलते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि काश ऐसा होता है। एडास के फीचर यहाँ पर नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो लोग ड्राइव करते हैं उससे ज़्यादा उनके लिए म्यूज़िक तो मुझे चाहिए, तो मैं चाह रहा था, उम्मीद कर रहा था वो वाला साउंड सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन इसमें एडास वाले फीचर्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो वैल्यू उन्होंने कट की है जहाँ पर इसको दिया है तो वो परफेक्ट लग रहा है। तो चीज़ें बहुत अच्छे से इस गाड़ी में परिभाषित हुई हैं और मुझे इसे चलाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर पिकअप की बात करेंगे तो जिस तरीके का 0 to 100 आता है वो दिल खुश कर देता है। विजिबिलिटी सॉलिड रहती है, पैनोरामिक सनरूफ अगर ऐसा मौसम है आप खोल के रखते हैं तो मन करता है कि लंबा चलाते चले जाओ, ये आपको गाड़ी बोर करने वाली कहीं से भी नहीं है। तो अपने पावर से पिकअप में और जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं और इसके साथ ही जब आप कहीं भी ब्रेक कर रहे थे, क्योंकि जब यहाँ पर अगर राजस्थान में हैं आप तो कहीं भी इमरजेंसी ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ जाती है और जब आप ब्रेक करते हैं ये गाड़ी फटाक से वहाँ पर रुक जाती है। और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है इस गाड़ी की और ये कहीं से आपको परेशान नहीं करती है। तो चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें दी गई हैं, हालांकि आप ये मत मान के चलिएगा कि ये गाड़ी एकदम नई मिल जाती है, जो हाई क्रॉस है उससे अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। टोयोटा बना के देने वाली है मारुति को और मारुति सिर्फ बेचने वाली है। अब उनके लिए मेरे पास जवाब है जो चाहते हैं कि भैया इनविक्टो खरीदें या हाई क्रॉस खरीदें, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया जो गाड़ी सबसे पहले आपको मिल जाए उसे आप अपने घर ले आइएगा और बुक दोनों करवा के रखिए, क्योंकि आजकल हाई क्रॉस के लिए लोग लंबा इंतज़ार कर रहे हैं और ऊपर से हाई क्रॉस की कुछ कीमत और बढ़ा दी है। तो जब ऐसे स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, जैसे मैं चला रहा था तो यहाँ पर ये कैमरा ऑन हो जाता है और वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है, मतलब विजिबिलिटी अच्छी लगती है। हालाँकि मैं कैमरा क्वालिटी की बहुत तारीफ नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो शायद पसंद नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी जो इसका काम है वो अपना काम परफेक्टली करता है, कोई लैग वगैरह इसमें नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाते हैं, वो भी वायरलेस, तो ये अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही ये हाइब्रिड सिस्टम बताता रहता है कि भैया क्या आपको जो है अभी आप कब पेट्रोल इंजन पर चल रहे हैं, कब इंजन किक कर रहा है, कब आप ईवी मोड में चल रहे हैं। अगर आप शहर में होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज देने वाली है, अगर आप हाईवे पर चला रहे होंगे सिर्फ निरंतर हाईवे पर जहाँ पर 100 की स्पीड करने वाले हैं तो आपको मिला जुला माइलेज मिलने वाला है। तो ये ऐसी पहली गाड़ी होगी आपके लिए कि जहाँ पर आपको सिटी से ज़्यादा माइलेज निकल कर आएगा और वहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल जब बम्पर टू पर ट्रैफिक में लोग ड्राइव कर रहे होते हैं वहां पर सेल्फ चार्जिंग कार के जरिए जब अपना सफर पूरा कर रहे होंगे तो उस गाड़ी के आप फैन होने वाले हैं। और अब सीधे जिक्र करते हैं इसमें कंफर्ट कितना मिलता है। तो यहां पर वेंटिलेटेड सीट ऑफर की है कंपनी ने, अच्छी चीज़ है। पीछे सीट पर आपको, क्योंकि ये जो भी गाड़ी चला रहा हूं ये 7 सीटर विकल्प वाली है, पीछे सीट पर भी आपको ठीक ठाक जगह मिल जाती है, जो लोग बैठेंगे कभी कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी में कंप्लेन नाम की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी।
अगर कोई कंप्लेन करना चाहेगा, कुछ फीचर तलाशेगा तो बोलेगा हाई क्रॉस में भैया एक बटन मिलता था जिससे ये पूरा हम सीट का एडजस्टमेंट जमाते थे, तो पावर बटन मिसिंग मिलने वाला है। ड्राइवर साइड सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। स्टीयरिंग का फीडबैक आपको हमेशा मिलता रहता है, और जब आप खुले हाईवे पर होते हैं तो वहाँ पर भी आप इसे इंजॉय कर पाते हैं, और जब आप शहरों में होते हैं तो वहाँ पर भी इसका बेनिफिट मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है, जब आप हाई स्पीड पर होते हो, वहाँ ब्रेक कर रहे होते हो, तो वहाँ पर ब्रेकिंग परफेक्टली मिल जाती है। आप एक जगह पर कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े हो जाते हो, थोड़ी देर चलाने के बाद में एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता रहता है। जहाँ पर लोगों को रोड सेंस नहीं पता है, वहाँ पर ये बहुत कुछ सेंस बना के उन्हें देती रहती है, और ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं इस गाड़ी में। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है और जो इसका लुक एंड फील है, रोड प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस पर बहुत सारे लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी गाड़ी है, क्योंकि मारुति ने कभी इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ पर भारतीय बाज़ार में नहीं बेची थी, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता है, MID आप चेक करते रहिए, अपना देखते रहिए कितना माइलेज आ रहा है, अगर जाना चाहते हैं कब हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, इको मोड में जा रही है, वो ऑन करके रखिएगा, वो सब कुछ चीज़ें दिखाता रहता है। तो चीज़ें इसमें आपको फीचर वाइज कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती हैं। तो इसके टायर छोटे हैं, उसका जिक्र भी ज़रूरी है। तो जब आप, मैं देख रहा था कि जब हम थोड़े से उबड़ खाबड़ रास्ते पे गए तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट इसका और इन्हेंस हुआ था। तो जो 18 इंच के टायर हैं, जब वो इस पर नीचे थोड़े से, मतलब अगर डाउन साइज टायर पे आते हैं, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस भी निकलता है और थोड़ा कम्फर्ट भी निकल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये चीज़ें हेल्प करती हैं, मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ है। तो कंफर्ट के मामले में अगर आप बहुत करीब, मतलब बहुत जाके बारीकी से परखने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है ये गाड़ी थोड़ी सी और कंफर्टेबल लग सकती है। केबिन इंसुलेशन बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ पर मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे टोयोटा की तारीफ कर लो या मारुति की तारीफ कर लो, बट ये इनविक्टो काफ़ी कुछ अलग कहानी कहती है, और ये कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मुझे लगा क्यों ना आपको इसका फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन कुछ इस तरीके से पहुंचाया जाए। चलते चलते और बता देता हूँ, विजिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आपको RBM पर अच्छे से भी मिल जाता है, IRBM ऑटो डिमिंग है उस पर आप अच्छे से कर सकते हैं, और इसमें आपको कई सारे कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं, उस मौका मिलेगा एक्सेस करिएगा। यूटिलिटी स्पेसेस के मामले में आप कंप्लेन नहीं करने वाले हैं। जो इसका हेडलैम्प है सा वाला 3 डॉट, और जो पीछे आपको मिलता है टेल लैम्प, वो सब मिला के एक अलग बताते हैं कि भैया ये थोड़ा सा अलग है हाई क्रॉस से। तो चीज़ें छोटी छोटी बट डिफरेंट दिखाने की कर रही हैं कोशिश, और वो काफ़ी अच्छी बन पड़ी हैं इस इनविक्टो में। तो अब आपको बताना है ये इनविक्टो आपको कैसी लगी, क्योंकि मेरे फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन में जो मैं आपको बताना चाहता था, बस वो इतनी सी बात थी कि भैया आप चाहे हाई क्रॉस खरीदें चाहे इनविक्टो खरीदें, गाड़ी एक ही मिलने वाली है, तो जो भी आपके हाथ लग जाए, तो वेटिंग कम हो रहा है, तो वहाँ पर मेरी बात मानकर ले लीजिएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि मारुति से खरीदना ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि मारुति से जल्दी थोड़ी मिल सकती है गाड़ी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार टोयोटा गाड़ी जनता को नहीं दे पा रही है, मारुति को कहाँ से देगी, तो ये टेक्निकल सवाल हो जाएगा, इसका जवाब अमित द्विवेदी नहीं देने वाले हैं। ये जवाब कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जाएगा दोनों कंपनियों के प्रमुखों से, अगर जवाब मिलता है तो जवाब आप तक पहुँचाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आइएगा, सवाल करिएगा, जवाब ले जाइएगा।